हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से जिला, कौन कौन से प्रखंड और कौन कौन से पंचायत सूखा से प्रभावित हुआ है उसी का सूची यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का ये लेटर है जो कि 14/10/2022 को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसी लेटर के नीचे आइएगा तो आप लोग को यहाँ पर देखिए अल्पवृष्टि के कारण सूखा प्रभावित जिला प्रखंड पंचायत की सूची। तो हम आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बना के जानकारी दे दिए थे कि बिहार के 11 ठो जिला यहाँ पर सूखा से प्रभावित हुआ है उसी का प्रखंड और कौन कौन से पंचायत यहाँ पर शामिल होते हैं जिसे घोषित किया गया सूखा प्रभावित, उसका लिस्ट यहाँ पर है जिसे हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं बारी बारी से। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिला का नाम है जहानाबाद जो कि 6 प्रखंड और 41 ठो पंचायत यहाँ पर सूखा प्रभावित हुआ है, जिसमें से जहानाबाद में देख लीजिए 2 पंचायत है और मखदमपुर में 20, रतनी फरीदपुर में 11 है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए गया में देख लीजिए टोटल 18 प्रखंड यहाँ पर प्रभावित हुआ है जिसमें से 136 पंचायत है। उसी से आगे और बढ़िएगा शेखपुरा यहाँ पर देख लीजिएगा जिसका 5 प्रखंड प्रभावित हुआ है जिसका टोटल 28 पंचायत भी प्रभावित हुआ है। आगे देख लीजिए जमुई में 10 प्रखंड प्रभावित हुआ है उसका 152 पंचायत यहाँ पर प्रभावित हुआ है। उससे आगे है मुंगेर जिसका 8 प्रखंड प्रभावित हुआ है और पंचायत 50 है। उसी तरह से देख लीजिए बांका का 11 प्रखंड यहाँ पर प्रभावित हुआ है और पंचायत 160 है। उसी तरह से यहाँ पर भागलपुर 9 प्रखंड है और 117 पंचायत है। लखीसराय 5 प्रखंड है और 28 पंचायत है। नालंदा यहाँ पर देख लीजिए 5 प्रखंड है और 11 पंचायत है। नवादा में देख लीजिए 11 प्रखंड है और 116 पंचायत है। औरंगाबाद में 8 प्रखंड है और 98 पंचायत है। तो यहाँ पर टोटल आप लोग देख लिए हैं, जितना भी लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 11 जिला का कौन कौन से प्रखंड और कौन कौन सा पंचायत यहाँ पर प्रभावित हुआ है सूखाग्रस्त, उसका लिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना पंचायत का नाम देख सकते हैं कि आपके पंचायत का नाम इसमें है या नहीं। तो बहुत ही छोटा जानकारी था। इस तरह का और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।